बारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज दिन भर की बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे किसानों के लिए एक और बड़ी योजना की। देखिए, देश के कई हिस्सों में खरीफ की फसल बोने का सीजन चल रहा है, लेकिन पानी की कमी से किसानों को बुआई के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है, एक तो लगातार भू जल स्तर है वो गिर रहा है, दूसरी तरफ मानसून की बारिश भी एक समान नहीं होती। जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल कुछ स्थानों पर तो मात्र कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो जाती है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जाता। यानी कि आजकल वो मानसून के सीजन में जो झड़ी लगती थी वह नहीं लगती। ऐसे में कई दिनों की बारिश कुछ घंटों में ही गिर जाती है और उसके बाद फिर लंबे अंतराल तक बारिश होती नहीं है। और इसीलिए पानी को इकट्ठा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हालात सुधारने के लिए किसानों को कई तरह की सब्सिडी भी दे रही है। राज्य सरकारों की बात की जाए तो राजस्थान सरकार ने किसानों को अपने खेतों में तालाब खुदवाने पर 63,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया। राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत सभी कैटेगरी के किसानों को तालाब बनवाने पर 60% तक की मदद की जाएगी। इस योजना में अगर मानकों की बात करें तो किसान के पास 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि पर मालिकाना हक होना चाहिए। इसमें और भी कई प्रकार की शर्तें हैं। देखिए, जानकारी के मुताबिक योजना के तहत कच्चे खेत तालाब के निर्माण के लिए अधिकतम 63,000 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। वहीं प्लास्टिक लाइनिंग खेत तालाब के लिए अधिकतम 90,000 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान योजना में किया गया है। देखिए, आपको बता दूं, राजस्थान के किसान अगर खेत में तालाब निर्माण के लिए मुख्यमंत्री खेत तालाब निर्माण योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह राज किसान 7 ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल सिंगल विंडो है जहां पर एक ही जगह पर किसानों को सभी सुविधाएं मिलती है। वहीं इस योजना के लिए वही किसान पात्र है जिनके पास 0.3 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व हो। ऐसे किसानों को योजना के तहत आवेदन करने के लिए जमाबंदी की नकल और जन आधार संख्या दर्ज करवानी होगी। वहीं आपको बता दूं, इस फॉर्म पॉन्ड योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीक के क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा। उसके बाद जिस स्थान पर को पॉन्ड निर्माण करवाना है उसी जगह पर जियो टैगिंग वगैरह लगाकर ई मित्र पोर्टल पर पहुंचकर आवेदन करना होगा। अगर आप पात्र होंगे तो आपके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। इस योजना के तहत 3 साल में 45,000 किसानों को खेत तालाब निर्माण के लिए सब्सिडी देने की योजना सरकार ने बनाई है। यानी कि राजस्थान में फिलहाल इस योजना का फायदा 3 सालों में 45,000 किसानों को ही मिलेगा। तो यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। बाकी मिलेंगे कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।